शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है, वधू को बुला लीजिए। जो कहा था वो तुम्हें याद है ना कि हमारी शादी पूरी होने से पहले तुम्हें आशी को इस झूठी शादी से आजाद करना है। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वरमाला भी पूरी हो गई ना? बिटिया, जैसे तूने हमारा गठबंधन कराया ना, राम जी करे तेरा गठबंधन भी बहुत जल्दी हो जाए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आगे के फेरों के लिए वधू आगे आ जाइए। अभी आखिरी 3 फेरे बचे हैं, मेरी बात याद है ना? नहीं अम्मा जी, आशी इस घर में आई थी हमारे बेटे के लिए। कुणाल आशी से प्यार करता है तो हम इसे इस घर से, अपने बेटे की जिंदगी से कैसे जाने देंगे? लेकिन पति और बेटे में किसी एक को कैसे चुने? अमिताभ, माँ, काकी, बहुरिया, काकी, माँ, बहुरिया, ऐसे क्या हुआ? मैंने रूम में ले जाता हूँ। निधि, तू जल्दी डॉक्टर को कॉल कर। हाँ, जल्दी। अब्बा, मनोज को भेजा है दवाइयाँ लाने। डॉक्टर कह रहे थे कि माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें आराम करने देना होगा, तो हम सब उन्हें आराम करने देते हैं। नहीं ठीक, अच्छा अमिताभ, काश आज तुम आशी को उसकी शादी से आजाद कर पाती। काश तुम सबको बता पाती कि कुणाल और आशी की वो बचपन की शादी नकली थी। कैसे बता देते अमित जी? आशी हमारे कुणाल की पत्नी है, उसकी नकली शादी का सच सबको बताना ना पड़े, इसीलिए तो किया ये सब नाटक। कौन? आशी और कुणाल की शादी नकली है।
आशो चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। मैं तो बस आपका ये मांग टीका लौटाने आई थी। ये सब छोड़िए, बताइए कि आप क्या बात कर रही थी। आशी और कुणाल की शादी नकली है। जीत आशी, हम तो कुमारी है। हे भगवान, ये सब सुन के सिर्फ मुझसे एक सेकंड में रिश्ता तोड़ के उस आशी से रिश्ता जोड़ लेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम, चुप रहो, कुछ सुन लेगा। इतना बड़ा राज आशी का इस घर से कुणाल से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अब से मुझसे बंधन तोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा मुझे। चुप, पानी पियो। छोड़ देगा, चुप, नौटंकी कहीं की। जानते हैं हम इस राज को, राज रखे थे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आशीष घर से जाए। अरे हमारा बेटा कुणाल आशीष से प्यार करता है। और मैं सिद्ध से प्यार करती हूँ। मैं किसी भी कीमत पे सिद्ध को नहीं खो सकती हूँ। इस राज को राज ही रहने दीजिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हाथ मिला लें इस बात पे। तुम्हारे भाई ने हमारी बेटी के साथ इतना कुछ कर दिया, तुम्हें लगता है हम अब भी तुम पर यकीन करेंगे? आंटी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, एक बार तो यकीन करके देखिए। देखिए, मैंने सिद्ध को पाने के लिए बहुत कुछ किया है, और अब मैं उसको नहीं खो सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे सिद्ध और आपके कुणाल के लिए हमें एक होना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। प्लीज। इस औरत पे विश्वास नहीं कर सकती, कहीं ऐसा ना हो अमित अंकल के फोर्स करने पे ये अपना मुंह खोल दें। वैसे भी कुणाल की पत्नी घर में आ गई है, और अब आशी भी शादीशुदा नहीं है। सिद्ध के साथ मेरा रिश्ता भी इतना पक्का नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। सिद्ध बेटा, एशियन गाला मेट में अगर हमारे ब्राइडल डिजाइन सेलेक्ट हो गए तो भविष्य में हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? सिद्ध बेटा, हमने कुछ सैंपल्स मंगवाए हैं, जरा एक नज़र उन्हें चेक कर लो और डिसाइड करके हमें बताओ कि हमें कौन से ब्राइडल कलेक्शंस वहाँ पे भेजने। और ये कलेक्शन तुम्हारी माँ के नाम पर होगा, तो इसलिए हमें ये हर हाल में जीतना ही जीतना है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। हो, सैंपल आ गए। सिद्ध बेटा, इसका डिजाइन और फैब्रिक सब चेक कर लो अच्छे से। जी, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें सबसे महंगे वाला कौन सा है? सर, वैसे तो सारे एक से बढ़ के एक हैं, पर ये सबसे महंगा वाला। ठीक है, इसे डन करो, और ये सेम फैब्रिक में मुझे रेड कलर भी चाहिए। ठीक, जाओ। जब तक सिद्ध, ये डिजाइन इसका क्या हुआ, तुम गई नहीं अभी तक? सर, वो मैं हमारे लिए रुके हैं। थैंक यू। हमें कुछ सैंपल सिखाए ना प्लीज। ये देखिए, ये नहीं, दूसरा। अच्छा, तो वही था, पकड़िए प्लीज। ठीक है, तो एक ये और एक आपके हाथ में जो है रेड वाला, ये दो सैंपल हमें पसंद आए। पर तुम इन सब का करोगी क्या? फिक्र मत करो, फ्री में नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे स्टोर में जितने दिन काम किए हैं ना, उसकी सैलरी के बदले में ले रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि हम इस फैब्रिक से अपना खुद का डिजाइनर ड्रेस बनवाएंगे और एशियन मेट गाला में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा सैंपल पास होगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें 60 लाख रुपए मिलेंगे। हम अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे, खूब कमाएंगे, और इस घर को तुमसे वापस लेंगे।